हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्रीज का 3D मॉडल देखेंगे। तो बच्चों, वेस्पर थ्योरी को सिजविक एंड पोवेल ने 1940 में दिया था। इस थ्योरी को फर्दर डेवलप किया गया तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, उनके बीच में रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो खुद को इस तरह से अलाइन करते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए और इस तरह से हम लोग को ज्योमेट्री मिलती है। ओके बच्चों, तो वेस्पर थ्योरी ने अपने पोस्टुलेट्स में इस पर बताया भी है कि जो मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है और वो जो रिपल्सन होता है उसका ऑर्डर भी दिया था उन्होंने, लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो सबसे स्ट्रांग होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा और फिर बॉन्ड पेयर होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों जो ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर पर भी डिपेंड करती है और लोन पेयर पर भी डिपेंड करती है। तो जो ज्योमेट्री होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, बोथ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। और जो शेप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, और यहाँ पर ज्योमेट्रीज में दो केस आती है। अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी लोन पेयर ना हो तो इस केस में मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसा होता है, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री रेगुलर होता है और इस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके बच्चों, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और इस केस में ज्योमेट्री इररेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलते हैं और ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, बराबर नहीं होता। ओके बच्चों, अब आगे इस थ्योरी में आज हम लोग इस वीडियो में रेगुलर ज्योमेट्रीज का 3D मॉडलिंग को देखने वाले हैं। ओके, तो वो किस तरह से अलाइनमेंट होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। तो केस वन, रेगुलर ज्योमेट्री। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर दो होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ज्योमेट्री लीनियर होता है। बच्चों कैसा होता है ज्योमेट्री, अगर दो हो जाए तो लीनियर होगा और लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा और वो ज्योमेट्री कुछ इस तरह का दिखता है। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर तीन होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस तरह का दिखता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर फोर हो जाए तो ज्योमेट्री कैसा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का दिखता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर फाइव हो जाए तो ज्योमेट्री कैसा होगा, तो इस केस में जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। और इस ज्योमेट्री का एक स्पेशलिटी भी है कि इस ज्योमेट्री का ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह का दिखता है और इस ज्योमेट्री में दो पेयर के बॉन्ड्स होते हैं, एक को एक्सियल बोला जाता है जो इस प्लेन के अबव है, इनको बोला जाता है क्या, एक्सियल पेयर, और ये जो तीनों पेयर हैं इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल पेयर। ओके, और बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो 120 डिग्री का होता है एंड 90 डिग्री का होता है। ओके बच्चों, आगे अगर बॉन्ड पेयर का नंबर सिक्स हो जाए तो क्या होगा, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर सिक्स हो जाए तो ज्योमेट्री क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर का नंबर सिक्स हो जाए तो ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का अलाइनमेंट कुछ इस तरह का होता है और बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, तो बच्चों आप 3D मॉडल देखेंगे, बॉन्ड पेयर का नंबर अगर दो होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लीनियर ज्योमेट्री ऐसा दिखता है जिसमें ये जो पर्पल कलर का बॉल है वो सेंट्रल मेटल एटम है और बाकी क्या है, सराउंडिंग एटम्स है, तो ये है लीनियर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, तो ये है क्या, लीनियर ज्योमेट्री। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर कितना हो, दो हो, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, तो ये क्या है बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री। ओके ठीक, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर और एक बढ़ा दिया जाए, मतलब बॉन्ड पेयर का नंबर तीन हो जाए
तो ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, जो कि ठीक एक ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है। प्लेनर क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये तीनों, ये जो सेंट्रल मेटल एटम, बोथ तीन बॉन्डेड एटम, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इस तरह का होता है। अच्छा बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, ओके। तो ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 120 डिग्री का दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर और एक बढ़ा दिया जाए तो ज्योमेट्री कैसा होता है बच्चों, तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना का होता है बच्चों, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री.5 मिनट का होता है। और देखो ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ओके। नेक्स्ट, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर और एक बढ़ जाए, मतलब आप बॉन्ड पेयर का नंबर अगर 5 हो जाए, तो ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जैसा कि आप अभी देखे। तो ये किस तरह का ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, ओके। अब ये पर्पल कलर का जो बॉल है वो क्या है, सेंट्रल एटम है, और वाइट बॉल्स क्या है, सराउंडिंग एटम्स हैं, ओके, बॉन्डेड एटम्स हैं। बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल पेयर्स के बीच में, जैसा मैंने बताया था, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और जो इक्वेटोरियल पेयर्स हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना का होता है बच्चों, 120 डिग्री का, ओके। अब अगर बॉन्ड पेयर का नंबर और एक बढ़ा दिया जाए, मतलब बॉन्ड पेयर का नंबर हो जाए 6, तो ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, तो ज्योमेट्री हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, और वो कुछ इस तरह का दिखता है बच्चों। देखो ये है क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना का होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी देख लिए, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अगर बॉन्ड पेयर का नंबर सिर्फ 2 हो तो ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 3 होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 109 डिग्री 5 मिनट। अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 5 हो जाए तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री का होता है। 120 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इक्वेटोरियल्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री होता है, और इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना का होता है बच्चों, तो वो बॉन्ड एंगल होता है इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच कितना का होता है, 90 डिग्री, इक्वेटोरियल्स के बीच में 120 डिग्री का होता है। अब अगर बॉन्ड पेयर का नंबर और एक ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता था, ऑक्टाहेड्रल हो जाता था। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब लोन पेयर और इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।